में 19 वर्षीय खिलाड़ियों की 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कांग्रेस से वदर प्रदेश संगठन मंत्री हुकुम सिंह अजीत के मुख्य अतिथि एवं युवा सरपंच गोपाराम पटेल की अध्यक्षता एवं तथा पंचायत प्रसार अधिकारी कर्णाराम चौधरी, पूर्व सरपंच भगाराम मेघवाल, अनिल राठौड, उप सरपंच महेश सेन, पूर्व उप सरपंच भवर सिंह पटियार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इंटंग अध्यक्ष मौलाना शहीद उल्ले, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ब्लॉक अध्यक्ष गुल मोहम्मद, समाज सेवी खेतमल जैन, ग्राम विकास अधिकारी तेजाराम माली, तेजाराम राजपुरोहित, स्वरूप सिंह सोढ़ा के विशिष्ट अतिथि में हुआ। प्रतियोगिता में आयोजक मंडल ने COVID-19 के बचाव को लेकर सरकार द्वारा जन जागरूकता के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए प्रबंधन किए गए अतिथियों को खूब सराहा। इसके साथ ही प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने बल्लेबाजी कर शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवादल प्रदेश संगठन मंत्री हुकुम सिंह अजीत ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में खेलकूद प्रतियोगिता का अत्यंत महत्व है। इसके साथ ही निष्पक्ष के बदौलत ही प्रतिभाओं को अपने बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से निखरने और गुरुजनों के द्वारा उन्हें तराशने का सुनहरा अवसर मिलता है। साथ ही अजीत ने कहा कि COVID-19 महामारी काल में एकता व अनुशासन के बदौलत क्षेत्र की युवा शक्ति ने कोरोना काल में बतौर योद्धा जनहित में सराहनीय कार्य किया है, जो कि प्रशंसनीय है। पंचायत प्रसार अधिकारी कर्णाराम पटेल ने कहा कि छात्र जीवन में खेलकूद से जुड़ाव व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होंगे तभी मानसिक रूप से परिपक्व होंगे, अतः कड़ी मेहनत व परिश्रम से सफलता रूपी आसमान को छूना नामुमकिन भी नहीं है। इसके साथ ही गोपाराम पटेल ने सफल कार्यक्रम के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सुरेश कुमार राणा, जीतू माली, प्रदीप प्रकाश सिंह, राजपुरोहित, चंद्रराम राणा, राकेश गहलोत, सिकंदर मेहर, पारस माली, दलपत सिंह, राजू माली, जितेंद्र चंपालाल, चौधरी गणपत राणा सहित प्रभु जन उपस्थित रहे।